नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। दोस्तों, आज 5 जून है और आज ही के दिन को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमने झारखंड की स्थापना जल, जंगल और जमीन के नारे पे की थी, तो आइए इस पर्यावरण दिवस को हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हालत हमारे झारखंड में उस जल, जंगल और जमीन की। सबसे पहला जल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे झारखंड में चुकरू नामक एक गांव है जो कि पलामू जिले के अंतर्गत आता है। वहां पिछले 25 साल से लोग फ्लूराइड से संक्रमित पानी पीने के लिए बाध्य हैं। ऐसी ही कुछ हालत आपको आर्सेनिक कंटामिनेशन की साहेबगंज जिले के आसपास मिलेगी और ऐसी ही कुछ समस्याएं आपको जादूगुड़ा के इलाके के आसपास मिलेगी जहां पे यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। दोस्तों, इन खतरनाक रसायनों का पानी में मिलना और लोगों का उस पानी को पीना बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। अगर नदियों की बात की जाए तो सारे रांचीवासी जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी की हालत क्या हो चुकी है। आइए अब जंगल की बात करते हैं। पिछले 20 सालों में 1405 लोगों ने और 80 हाथियों ने अपनी जान गंवाई है। हाथी जंगल के बाहर तब आने को मजबूर हो जाते हैं जब जंगलों को काट दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2017 के बाद लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है झारखंड के फॉरेस्ट एरिया में, लेकिन हाथी के हमले से मरने वालों की संख्या भी एक सच्चाई है। तीसरा, जमीन। झारखंड प्रदेश उन 5 प्रदेशों में आता है जिनकी 50% से अधिक जमीन की उपजाऊ क्षमता लगातार घटती जा रही है। इसके कारणों में से एक कारण है पेड़ों का लगातार काटे जाना। अब लोग पूछेंगे कि हम इस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अकेले इंसान हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। हम सबको पर्यावरण की तरफ सचेत रहने की जरूरत है। हम सब पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि एक पेड़ 100 बच्चों के बराबर होता है। आइए इस पर्यावरण दिवस को हम ये प्रण लें कि जो धरती हमें भगवान ने दी है हम उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि याद रहे धरती एक ही है। अगर आपको दिल्ली खराब लगता है तो आप दिल्ली से झारखंड आ सकते हो, लेकिन अगर ये धरती बिगड़ गई तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।